मझोला थाना पुलिस ने चौकी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में युवक के साथ 7 दिसंबर को हुई मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया मोबाइल और लूट की घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। सीओ सिविल लाइन्स सागर जैन ने मझोला थाना में प्रेस वार्ता कर लूट की इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 7 दिसंबर को मझोला थाने की चौकी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक युवक के साथ मोबाइल लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। इस मामले में मझोला थाना पुलिस ने कटगढ़ थाना क्षेत्र के करूला गली नंबर 8 में रहने वाले मुकीम पुत्र हाजी असमत, शाहनवाज पुत्र नजाकत हुसैन और शाकिब पुत्र शाकिर अहमद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल और लूट की घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के बरामद की गई। बता दें कि मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के गांव अहलादपुर में रहने वाले अजीम पुत्र शकील ने मझोला थाना में 8 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 दिसंबर को चौकी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में उनके साथ मोबाइल लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। इस मामले में मझोला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार मझोला थाना पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर अजीम के साथ हुई मोबाइल लूट की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। अजीम पुत्र शकील निवासी अहलादपुर थाना मैनाठेड़, इनका मोबाइल जो है ये 3 अभियुक्तों ने छीना था, 3 बाइक सवारों ने, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इनका नहीं, ये पहली बार इन्होंने इस तरह की घटना की है। नए लड़के हैं और उम्र करीबन 18-19 साल है और पहली बार इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। सर किस वजह से ये घटना को अंजाम दिया था? इन लोगों को जस्ट मतलब जो है अपना सफल कम वक्त में जो पैसा कमाने वाला, और ये घटना आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, जस्ट इन लोगों ने एक थ्रिल की वजह से ये घटना को अंजाम दिया है कि एक बाइक सवार थे और मोबाइल छीन लिया बड़ी सफाई से। सर इन लोगों को